है परब्रह्मानंद गुरुओ, सच्चिदानंद नंद गुरुओ, सच्चिदानंद नंद गुरुओ, जय गुरु ओंकारा, जय जय गुरु ओंकारा, ओम जय गुरु ओंकारा, जय 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 ओंकारा, ओम ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, हर 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 महादेवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, हर 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 महादेवा, जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, ओम तेरा नाम है सहारा, तेरा नाम ही आधारा, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। ओम शांति। थैंक यू मैडम। दैट वाज मिसेस केसन। केसन इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ आवर मिस्टर भैरवा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको वेलकम करता हूँ फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ ग्रीन सर्कल। टुडे ग्रीन सर्कल इज नॉट दैट मच हैप्पी टू हैव दिस जूम प्रोग्राम, बट वी हैव टू बेयर विद द लॉस डेफिनेटली। I understand that this is a great loss, irreparable loss for all of us. Mr. R.K. Bhairava was our strength Green Circle के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है इन्होंने। एक मैं छोटा सा एक presentation करना चाहता हूँ। उसके पहले मैं Mr. Bhagat Singh और Mrs. Bhairava और सब लोगों को welcome करता हूँ। उन लोगों को मुझे मालूम नहीं है कैसे उनको console करना है। सबको भगवान स्ट्रेंथ दे देंगे, तो आप लोग ज़रूर इस मतलब इसका कोई इरेपरेबल लॉस है, इसका कोई इलाज नहीं है। हम लोग बहुत कोशिश किया। जिस दिन वो भैरवा का सन भगत ने मुझे कांटेक्ट किया था फ़ोन पे कांटेक्ट करके, राजन जी हमारे मेरे फादर को थोड़ा सा प्रॉब्लम, उनके फादर का फ़ोन से आ गया। मुझे शॉक हो रहा था क्या हो गया, भगत बोल रहा है तो भगत बोल रहा था फादर का थोड़ा सा कोविड का प्रॉब्लम है। तो वो साइकिल हमारे साइकिलिंग इवेंट था 11 तारीख, उस दिन के पहले ही ये भैरवा से मैंने लास्ट टाइम पास किया था 8 तारीख में। कंटिन्यूसली मैं भैरवा साहब के साथ मैं रहता था। तो उस दिन 8 तारीख मैंने जब बोला था भैरवा जी क्या हो गया, साइकिलिंग के लिए आ जाओ, बोल रहा था राजन जी साइकिलिंग के लिए आना है, मुझे तो मन कहता है लेकिन COVID-19 हमारे घर में भी कुछ हो गया तो हेडफोन दे दो बाहर नहीं आ सकता है करके बोल रहा था। फिर देन आई हैड टू एक्सेप्ट इट एंड आई रिक्वेस्टेड हिम डोंट वरी ही विल बी ऑल राइट। फिर वो उन्होंने बोला था अभी हमारे उनका सिचुएशन थोड़ा 14 तारीख मुझे लग रहा है 14 तारीख उन्होंने कॉन्टेक्ट किया भगत सिंह ने, भैरवा का बेटा है। तो उस टाइम उन्होंने बोला था राजन जी कोई हॉस्पिटल बता दो। तो एक्चुअली भैरवा जी द्वारका के लिए नया है, अभी अभी उनका फ्लैट खरीद के 1-1.5 साल हो गया। उनका हाउस वार्मिंग में हम गए थे और जिस दिन वो भैरवा जी द्वारका आ गया ना, मेरा स्ट्रेंथ बढ़ गया। एक्चुअली मैं सोच रहा था ग्रीन सर्कल के लिए हमें एक पिलर मिला है, इतना कमिटेड मेंबर है एनवायरनमेंट के लिए और सोशल एक्टिविटीज के लिए। तो मैंने बात को बोला क्या हुआ, ही सेड थोड़ा सा हालत सीरियस है तो अब हॉस्पिटल में एडमिट करना है। कौन सा हॉस्पिटल? उनके घर के पास वेंकटेश्वर हॉस्पिटल था और मणिपाल हॉस्पिटल इधर है, तो 2-3 हॉस्पिटल मैंने बोला था वेंकटेश्वर इस नजदीक में, देन ही हैज एडमिटेड देयर।
वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में, लेकिन फर्स्ट डे हम लोग सोच रहे थे ठीक है इज टेकिंग रेस्ट, वो ठीक हो जाएगा. सेकेंड डे थोड़ा सा उनका हालत थोड़ा सा खराब होना शुरू हो गया. देन वी हैड अ डाउट क्या होगा ये. फिर देन प्लाज्मा डोनर के बारे में पूछा था. देन वी ट्राइड अवर बेस्ट, लेकिन भाया सिंह ने अपने आप प्लाज्मा डोनर के लिए अरेंज कर दिया. तो थोड़ा सा उसका रिस्पॉन्स भी था. लास्ट थर्ड डे तीसरा दिन उसको वेंटिलेटर में रख दिया. तो फिर हम लोग सोच रहे थे अरे इतना सीरियस हो गया क्या है. बट आई वॉज हेल्पलेस. सी मोस्ट ऑफ अवर रिटायर्ड पीपल जो बैरवा के साथ हम काम किया है सिंडिकेट बैंक में, हम लोग सारे सीनियर सिटीजन है, हम कहीं बाहर भी नहीं जा सकते. तो आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट थ्रू द फोन, ओवर फोन कॉन्टेक्ट किया, एक डॉक्टर से बात किया था, वहां से मार्केटिंग मैनेजर से बात किया वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, वहां से हम स्टेटस कंटिन्यूसली हमें मिला था. लेकिन एक दिन जब भाया सिंह ने बोला था ये अभी भगवान के ऊपर है, आई वॉज टोटली हार्ट ब्रोकन ऑन दैट डे, क्योंकि वॉट विल हैपन टू हिम, आई वॉज रियली शॉक्ड ऑन दैट डे. फिर हम डॉक्टर्स को भी कई डॉक्टर से बात किया था, बट गॉड वॉज सो क्रूयल टू हिम. ये आई डोंट नो हाउ टू कंसोल द फैमिली. शायद मुझे भी कोई कंसोल नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे तो एक फ्रेंड भी आया, मिस्ड ए फ्रेंड. नंबर टू, एक ग्रीन सर्कल का वॉरियर है. अगर बताऊंगा तो ग्रीन सर्कल में इनका रोल है, ट्रेमेंडस रोल है. मैं आपको एक वीडियो, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा क्या इन्वॉल्वमेंट है. विद योर परमिशन लेट मी स्टार्ट इट. प्लीज म्यूट योरसेल्फ सो दैट यू कैन, ऑल ऑफ यू काइंडली म्यूट योरसेल्फ सो दैट यू कैन सी द वीडियो. मुझे कुछ बोलना था, मेरी आवाज आनी चाहिए. जाएगी जाएगी. सो श्री राम किशोर बैरवा ग्रीन सर्कल के लिए एक ग्रीन वॉरियर है, आवर इंस्पिरेशन है. ही हैज गॉन फ्रॉम अस. वी आर अगर इफ आई से आई एम रिग्रेटिंग, सम अदर वर्ड होगा रिग्रेट के ऊपर आप बताइए. आई कैन से दैट वी आर लूजिंग ए ग्रेट हैंड एंड अ ग्रेट पर्सन डेफिनेटली. ये रिटायरमेंट हुआ था, 3 साल हुआ, जून 2017 में. I had gone to his retirement. मैं भी सिंडिकेट बैंक में काम किया था, बैरवा जी भी सिंडिकेट बैंक में काम किया. एंड आई हैड गॉन देयर उस दिन. आई वॉज वेरी होपफुल बिकॉज इतनी दिन थे, मतलब इतना, मतलब एक्टिविटीज बहुत ज्यादा था, मतलब बैंक में यू कैनॉट गेट एनी टाइम. सो रिटायर हो गया, मैं तो ऐसे ऐसे बोल रहा था एक दो वॉरियर्स मुझे मिला है, एक तो ये है, दूसरा एक मुरली है. दोनों एक्चुअली ग्रीन सर्कल स्टार्ट करके अभी 19 इयर्स हो गया. शुरुआत में जब मुरली मेरे साथ ज्वाइन किया है, बैरवा वाज आल्सो इन द पटौदी ब्रांच सिंडिकेट बैंक. हम तीनों तो बात कर रहे थे उस टाइम पे, हमने स्टार्ट किया था ये ग्रीन सर्कल को. बैरवा जी कुड नॉट इमिडिएटली ज्वाइन, लेकिन वो ग्रीन सर्कल को फ्रॉम द चाइल्डहुड, फ्रॉम द बिगिनिंग, आई मीन फ्रॉम द बर्थ ऑफ ग्रीन सर्कल वो देख रहा था हमारे इसमें, और बोल रहा था जब मैं रिटायर हो जाऊंगा पूरा टाइम मैं आपके लिए दे दूंगा. आई एम अनलकी. ही वॉज गिविंग अ वेरी गुड स्पीच. एक्चुअली वीडियो इसमें लंबा सा वीडियो है, आई कैनॉट शो इट. बट जो बैरवा ने उस दिन बोला था, एक वर्ड मुझे, एक फ्रेज बोला था, मुस्कुराते रहो. ये उनका एडवाइस था उनके जूनियर्स के लिए उस दिन, और हमेशा मुस्कुराते रहा था उन्होंने, बैरवा जी ने. ऑलवेज जितना भी मतलब प्रॉब्लम है, ईयर्स कम लॉन्ग जर्नी, स्ट्रगल है लाइफ, पूरा स्ट्रगल है. और एक सिंपल आम स्टेटस से यस बिकम अ ओनर ऑफ 100 से 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी का ओनर हो गया हमारे जो द्वारका में. इसका मतलब वी आर ऑल रियली वेरी हैप्पी दैट ही विल बी विद अस, बट अनफॉर्चुनेटली इट सो हैपेंड. ये तीन जेंटलमैन उस दिन रिटायर हुआ था. वन इज द दिस साइड वी आर सीइंग मिस्टर मुरली, द अदर साइड बैरवा जी. तो इनका नाम क्या था, शशिता. तो तीन लोग उस दिन टुगेदर दे आर रिटायर्ड एंड वी हैव गिवन अ सेंड ऑफ टू देम. आफ्टर रिटायरमेंट ही टुक टू कोटक लाइफ
इंश्योरेंस, उसमें भी ज्वाइन किया, उसमें भी ही वॉज अ विनर ऑफ क्राउन ज्वेल अवार्ड. तो ही वॉज डूइंग वेरी गुड परफॉर्मेंस देयर ऑल्सो, फॉरिन कंट्रीज भी घूम के आ गया, उसका जो कंपनी ने उनको भेजा था. और वेन ही विजिटेड ग्रीन सर्कल, मेरे ऑफिस में आके, जहाँ पे अभी मैं बैठ रहा हूँ, मेरे ऑफिस में आके ही वॉज गिविंग प्लेजिंग हिज सपोर्ट टू मी. उस दिन फर्स्ट डे 1.5 साल हुआ था. और ये जो नॉट ओनली ग्रीन सर्कल एक्टिविटी, सम अदर एक्टिविटीज ऑल्सो, सीनियर हब एंड अदर एक्टिविटीज ऑल्सो वो कर रहा था. एक तो ही कंडक्टेड अ मास मैरिज अभी रिसेंटली, आई थिंक 2-3 महीना, आई मीन 4-5 महीना होगा शायद, कोविड पीरियड के पहले होगा. ही हैज कंडक्टेड मास मैरिज, 33 मैरिजेस फॉर पुअर पीपल एंड ऑल just by good samaritans. He kaam kiya tha, he was a very good hard working person in his place, Trilokpuri and Kalyanpuri. Aur ye aap yahan dekh rahe, this is his commitment in Pavitra People project. Hamare jo green circle ka ek project hai, ek black flagship project hai, isme hum Pavitra People ke naam pe people trees ke around jo bhi garbage hai, jo jo murtiyan hai, usko nikalne ka kaam hum karte the, karte hain. Ab covid ke liye hum stop kar diya. उस टाइम पे हम लोग खड़े थे. यू आर सीइंग हियर भैरवा जी वाज ऑलवेज पूरा वो पवित्र पीपल प्रोजेक्ट या श्रमदान प्रोजेक्ट जो भी है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट था. सी मुस्कुराते रहिए, वो हमेशा मुस्कुराते रहिए रहते थे. और ये है एपीजी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, वो उधर सेक्टर 8 में है. और वहाँ पे एक श्रमदान हम किया था, एक स्पेशल श्रमदान, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था उन्होंने. अब मैं जो येल्लो सर्कल में है ना, वो उनका फोटोग्राफ है. और यंगस्टर्स सारे लोग थे. और ये बहुत बिजी हमेशा रहता था. और प्लास्टिक रिमूव करने के हमारे जो श्रमदान है उसमें काफी इन्वॉल्वमेंट था, कोई भी मिस नहीं किया. ये है आप देख रहे हैं, ये हमारे श्रमदान और पवित्र पीपल दोनों प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट में जो गार्बेज है इसमें हम कलेक्ट करके हम एसडीएमसी म्यूनसिपालिटी को देते थे. और हमारे जो भैरवा जी इसमें भी इन्वॉल्व था. और जब भी हम ग्रुप फोटो के लिए हम बुलाते हैं वो नहीं आता है, थोड़ा सा लेट आते हैं हमेशा, क्योंकि हम सीरियसली भैरवा कहाँ है, भैरवा कहाँ हम ढूंढ रहे थे. और भैरवा जी कहीं ना कहीं सीरियसली प्लास्टिक रिमूवल का काम करता था. जब हम 1 घंटे के बाद हम टायर्ड होते हैं, हम फिनिश करते थे, उस टाइम पे भी वो काम करता था. ये हुआ था. फिर ये है, ही प्लांटेड ट्रीज ऑन मेनी ओकेशन. ये तो हम तिलपत बायोडाइवर्सिटी पार्क में हम गए थे, वहाँ पे वो ट्री जो आप टच कर रहे हैं वो ट्री उन्होंने प्लांट किया था. और कोई भी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज है उसका इन्वॉल्वमेंट काफी अच्छा था. ये है, आप देखेंगे आप येलो सर्कल में भैरवा जी का वो रीड कर रहा था जो प्राइस विनर का. सो एक्टिव पार्ट कर रहा था एक्चुअली. दिस इज अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन जो लास्ट जून में हमारे प्रोग्राम हुआ था. उस प्रोग्राम में इनका इन्वॉल्वमेंट काफी अच्छा था. ये कृष्णा अपार्टमेंट सेक्टर 9 में हुआ था. और ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये है ट्री गिर गया था एक ये तूफान के वजह से. एक पार्क में सेक्टर 6 का पार्क में ट्री गिर गया था. इसको री एरेक्ट करने के लिए हम लोग सब लोग इकट्ठा होके हम करते थे. और इस ट्री को हम मैनेज कर दिया, इसको रीप्लान कर दिया. दो साल हो गया अभी, इसके बाद भी अभी ये ट्री बहुत अच्छा जिंदा है और इट इज ग्रोइंग अगेन. सो भैरवा जी आप देखेंगे अब यहाँ पे बैठते हैं सामने. ही वॉज टेकिंग वेरी एक्टिव पार्ट उस टाइम पे भी. और यहाँ पे हम एक प्रोग्राम गए थे आप एक नेचर वॉक के लिए, उस प्रोग्राम में वो और मुरली दोनों खड़े हैं इधर. ये आप देख रहे हैं इधर. और हम लोग उसके बाद एक वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में, पानी जो मिला था वो तो ड्राई इलाका था तिलपत बायोडाइवर्सिटी पार्क को डाइवर्स, उसमें ना पानी का इंतजाम करना बहुत काफ़ी मुश्किल था. उसमें हम लोग इंस्पेक्ट कर रहे थे, भैरवा जी भी इंस्पेक्ट किया है. और एक नेचर वॉक किया था हम लोग उसी पार्क के अंदर. तो भैरवा वॉज ऑलवेज इन द फ्रंट, द
सब सब हमेशा वो सामने जाता था, ही वॉज वेरी एक्टिव इन एवरीथिंग। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो गार्बेज एक रैक पिकर है उनको देता है, ये प्लास्टिक वगैरह उनको देते हैं हम, ये भी हम करते थे। और ये प्लास्टिक या गार्बेज निकालने में कभी भी वो सोचा नहीं है, ही वॉज गिविंग हिज हैंड इमिडिएटली। तो मेरे लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक हैंडीकैप हो जाएगा, ये बैरवा जी नहीं है तो हमारे लिए रियली प्रॉब्लम है। और आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, ये जो आप देख रहे हैं एक इसमें आपको वॉइस आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं है, लेट मी शो यू। सो आई थिंक वॉइस का कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी ये वीडियो हमारे साथ है, मैं सर किसी को मैं यूट्यूब में दे सकता हूँ, बैरवा फैमिली को मैं दे सकता हूँ, ये कभी भी वो यूट्यूब में देख सकते हैं। और वेन एवर वी आस्क्ड फॉर अवर वॉलंटियर सर्विस, बैरवा जी यू जस्ट आस्क्ड अस टेल मी द लोकेशन। Very good. You asked to, you used to arrive in your bullet bike. Bullet mein aate the aap, hamesha time pe pahunchte the, aur you started working. Kahi bhi kaam hai, aap kaam karte the. So, where will be finding your location now? Mujhe nahi lag raha, kab, kahan milenge? So, it's a great handicap for us, really. एक टीम वर्क है, हमेशा एक टीम प्लेयर है, डाउन टू अर्थ पर्सन है, साथ साथ केसन जी बैठ रहे हैं और सब काफी हमारे साथियां बैठ रहे हैं, ये एक्टिव है, हमेशा एक्टिव है हमारे ग्रीन सर्कल का एक्टिविटीज में, एवर स्माइलिंग। मैं तो 5 शब्दों में इनको समअप करूंगा, एवर स्माइलिंग, पीस लविंग, काइंड हार्टेड, हेल्पफुल, above all he is hard working, in a nutshell a fine human being. Very true. Ek nature walk tha, virus might have snatched a gem from us, but Bhairava is living in our hearts, he is not going anywhere, hum continuously unke yaad rakhenge. Or we cannot forget him. May heaven's best abode be his peaceful home. May God give him all strength to the bereaved family. May we all cherish his memory. May his soul rest in peace. Bhairava ji, हमारे committee member था green circle का, मैंने उनको बोला था before retirement, जब आपका retire हो जाएगा आप हमारे committee में आ जाएंगे, तो कमिटी में आ गया था और साथ साथ कई काम भी करता था। और ये इनका एक बिजनेस अक्यूमेन है इनके माइंड में, तो सिंडिकेट बैंक में भी मतलब ही वॉज अ वेरी गुड वर्कर, उसके बाद कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस में भी वॉज डूइंग एज अ स्टार परफॉर्मर, उसके बाद अभी मोडी केयर प्रोडक्ट्स का भी कंटिन्यूसली साथ साथ हम काम करके करके ये भी आप सेल करने का, मतलब I am really amazed about his energy level. कभी कुछ नहीं सोचता है, तो वो उनका टारगेट है पीपल से बात करना, स्माइलिंग रहना हमेशा और कुछ काम करते रहना। तो टुडे बोथ ऑफ अस, मुरली इज हियर, myself, we will be missing him a lot. ये जरूर है। बैरवा जी हमेशा ना मैं बोलता था, अभी किसको बोलूंगा, may his soul rest in peace.
थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग. अभी कोई किसी कोई को किसी को कुछ बोलना है तो मुरली आप तो शब्द, और कोई किसी और को बात करना है तो जरा बात कर लीजिए. अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक. आदरणीय सिल्वा जी, मुरली जी, उपस्थित हमारे सारे मित्र, ग्रीन सर्किल से जुड़े हुए और बैरवा जी के परिवार के सारे सदस्य, सम्मानित सदस्य. बैरवा जी मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे. मेरा परिचय बहुत पुराना नहीं था, मैं भी सिंडिकेट बैंक का ही कार्यकर्ता रहा हूँ. जब दिल्ली रीजनल ऑफिस में 2 में मैंने ज्वाइन किया, पूसा कैंपस में हमारी बहुत सारी ब्रांचेस थी, तो उसमें से एक ब्रांच की विजिट पे मैं गया था और तब तक लोग मुझे जान नहीं पाए थे. शुरुआती दौर था, 10-15 दिन ही हुए थे मुझे, तो व्यक्तिगत रूप से लोग मुझे नहीं जानते थे उस शाखा में. तो मैं एक ग्राहक की भांति गया और मुझे एक अधिकारी से व्यक्ति लगे और मैं उनसे पूछने लगा कि जमा योजना के बारे में और इसमें कैसे क्या है और खाता खोलने के लिए मुझे क्या करना होगा. बड़े ही धैर्य से, बहुत ही व्यवहार कुशलता से उस व्यक्ति ने मुझे स्माइलिंगली उन सारी जानकारियों को दी और मैं बहुत प्रभावित हुआ. बाद में जैसा कि मैं हमेशा करता था, शाखा के हर एक व्यक्ति से मिलना, उसका परिचय प्राप्त करना, यह हमारी पहली भेंट थी. उसके कुछ दिन बाद ही मैंने बैरवा जी को क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया और मैंने कहा कि मैं आपको एक शाखा देना चाहता हूँ ब्रांच हेड के रूप में. उन्होंने कहा कि मैं ब्रांच हेड नहीं कर पाऊंगा. मैंने कहा कि आप सबसे अच्छा कर पाएंगे. एंड ही वॉज डेजिग्नेटेड एज ए ब्रांच मैनेजर और उन्होंने बहुत ही अच्छे से उस शाखा का संचालन किया और वही हमारी मित्रता का आधार बना, जो प्रथम भेंट थी, जो उनका बेस्ट मैसेज हो सकता था इस दुनिया को, मुस्कुराते रहो. ही वॉज एवर स्माइलिंग जोवियल पर्सन. और हमारा दुर्भाग्य है उस व्यक्ति से हमारी अंतिम भेंट नहीं होती, लेकिन जब तक यूनिविर्स है, जब तक ग्रीनरी है, बैरवा विल ऑलवेज बी देयर. माय बेस्ट ट्रिब्यूट टू हिम एंड टू हिज फैमिली. एनीवन एल्स, कोई और बात करना चाहते हैं? विजय शर्मा. या सर, एक्चुअली मैं पहली बार सर, 2 पंक्तियां एक है जो समर्पित हैं कि मेरे 3 दशकों से मित्र रहे हैं वो, और रिटायरमेंट से पहले हम लोग, मैं नेपाल गए थे तो मेरा रूम पार्टनर थे वो. असल में गाने वगैरह गाता हूँ तो बड़ा संतोष हो जाते थे और बड़े हंसमुख रहे हैं. 30 साल से मेरा उनका संपर्क रहा. तो सर 2 लाइनें हैं कि मेरी आवाज़ पहुँच रही है आपको? दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, जो जाए वो उस पार कभी लौट के ना आए. है खेल ये कैसा कोई कुछ तो बताना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना. आने वाले हो सके आना. नहीं समझना परिवार के प्रति. थैंक यू सर. मुरली जरा बोल दीजिए, अनम्यूट करके. मिस्टर मुरली सर, उनके साथ काम किया था बैरवा और हमारे ग्रीन सर्कल का जॉइंट सेक्रेटरी हैं. फ्रेंड्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक ऑफ अ पर्सन इन द पास्ट टेंस. राम किशोर बैरवा, myself and Silva Rajan, we used to meet regularly about 20 years back on the railway platform of Patodi Road railway station. There, after our day's work in the evening, we used to discuss anything other than our office work. We used to discuss about nature,
about social work and environment. It used to be a stress buster sessions for us. Bhairavaji was a humble, down-to-earth person. By sheer dint of hard work, he has risen up in his life. He could mix up with anybody and anyone and was a total team person. Bhairavaji and myself superannuated on the same day from the same building of Syndicate Bank. It is very sad about his loss. I pray to God to grant everlasting peace to the noble soul. हाँ सर्वराजन जी, आई वुड लाइक टू टॉक समथिंग. आप सबको नमस्कार. मैं बैरवा जी को, मैं सिंडिकेट बैंक से कनेक्टेड तो नहीं हूँ, पर मेरे हस्बैंड सिंडिकेट बैंक के हैं और ये ग्रीन सर्कल के थ्रू मुझे 2-3 बार बैरवा जी से मुलाकात हुई थी और ये तीनों बार मैंने ये देखा है कि प्रसन्न होके हर चीज को बहुत ही अच्छी तरह समझ के वो बात करते थे और उनके जो चेहरे में जो हर समय जो मुस्कान रहती थी ना, वो भूलना बहुत मुश्किल है. मैं जानती हूँ बहुत कम समय लिए, पर मैं इस इंसान को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और आप लोग भी परिवार वाले मानती हूँ कि ये बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए, पर हिम्मत से काम करना है. जिस इंसान ने इतनी मुस्कुराहट फैलाई है कितनी जिंदगियों में, तो आप इस मुस्कुराहट को समेट के रखिएगा अपने दिल में और उनकी, हम सब उनकी इसके लिए दुआते हैं और आप भी खूब खुश रहिएगा. यही आप उनके लिए जो कर सकते हो यही कर सकते हो. नमस्ते. थैंक यू मैडम. अभी कोई और? एनीबडी एल्स? अंकल मैं बोलना चाहूंगा. आई लाइक टू स्पीक अन इट. ओके, लास्ट में आई थॉट ऑफ आफ्टर गिविंग. हाय हाय. यस. ओके. एनीबडी एल्स हु वांट टू गिव ट्रिब्यूट टू हिम? ओके, प्लीज गो अहेड. इफ एनीबडी वांट्स प्लीज अनम्यूट एंड टॉक, अदरवाइज लेट भगत सिंह, बैरवा का बेटा है, वो बात करना चाहते हैं, बात करेंगे. अजय गोयल साहब. तो बस ये कहूंगा कि उनका जाना एकदम से जैसे लगता ही नहीं कि चले गए, लगता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ऐसे व्यक्तित्व के का उनका था और बहुत ही प्लेजेंट पर्सनैलिटी थे और उनके अंदर बहुत कोई इनिबिशंस और कोई ईगो नहीं थी. वो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और सब जानते हैं, जैसे मुस्कुराते रहते थे. तो हमारे बीच में तो जैसे लगेगा जब भी हम मिलेंगे कि वो तो हमेशा हमारे साथ हैं. भूल पाना बहुत मुश्किल होगा. और परिवार के लोगों में सबसे ज्यादा उनकी जो पत्नी है उनका सबसे बड़ा लॉस है, जो उस चीज को कोई बहुत मुश्किल है किसी को भी समझना. तो अब क्योंकि वो जीवन के पथ पे अकेले रह गई हैं, बच्चे तो हैं, सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है. तो बस वो किसी तरह इस अपने उनकी याद को साथ में रखते हुए बच्चों के साथ अपना जीवन गुजारें, उनके बच्चे भी उनकी याद को हमेशा अपने साथ रखें और हम ग्रीन सर्कल वाले तो रखेंगे उनकी याद को हमेशा साथ. बस यही कहना चाहता हूँ, उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. थैंक यू गोयल सर. थैंक यू. विशाल. जैसे ही मैं बहुत कम टाइम पहले ही जैसे वो द्वारका है तब मैं उनसे मिला और पहली बार से ही he was very impressive. एक तो वो उनका स्टाइल, हर समय बुलेट पे आना, हर समय एक्टिव रहना. और हमने साल भर पहले करीब मेरे ब्रह्मा अपार्टमेंट के पीछे एक एबेंडेंट लैंड थी जिसको एक विजन था हमारा कि इसको एक ब्यूटीफुल नर्सरी, एक गार्डन बनाए. तो कोई भी एक ऐसा सैटरडे नहीं होता था कि भैरवा जी इतनी दूर से सुबह 7 बजे हमारे ब्रह्मा अपार्टमेंट पहुंचते थे और बिल्कुल देसी स्टाइल में फावड़ा चलाना. हमने कितनी वहां पे मेहनत करी है,
वो पाथवे बनाया, नए पौधे लगाए, और हर चीज में कोई एक ऐसा सैटरडे नहीं था कि जिसमें वो 7 बजे पहुंचे ना हो और सबसे लेट तक उस गार्डन को आज भी हम देख रहे हैं तो हमको वो सारी पुरानी यादें आ रही हैं। उनका कंट्रीब्यूशन ग्रीन सर्कल के कोई भी इनिशिएटिव में उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रखा जाएगा और उन बहुत ही इंस्पायरिंग थे। मेरी जब बात राजन जी से हुई थी तो फिर मैंने उनके बेटे से भी बात करी थी और यही कोशिश करी थी कि हम चाहे फिजिकली पास में ना हो लेकिन मेंटली और हम सब उनके लिए दुआ कर रहे थे। तो मैं सोल रेस्ट इन पीस एंड पूरे परिवार को ये लॉस झेलने के लिए भगवान शक्ति दे। ओम शाम। थैंक यू विशाल। विशाल और भैरवा दोनों इकट्ठा काम करते थे, बहुत काम करते थे, लाइक अजय गोयल साहब ये है, मुरली, ये सारे एक्टिव वर्कर्स है। आल्सो कैसन भी है, वॉलंटियर्स है, हमेशा सामने नहीं आते, आप फील करो हम लोग आपके पीछे हैं, हम काम करेंगे, काम करते रहेंगे, ऐसे लोग करने वाले। आई विल टेल यू विशाल लाल जी, अजय गोयल जी, मेनन जी है यहाँ पे, या तो मुरली है, कोई भी नाम ले लो, कैसन काम वॉलंटियर वर्क में वेरी सिंसियर एंड वी कैनॉट फॉरगेट एक्सटेंडेड फैमिली। अभी आपके फैमिली देखे हमें, मतलब वी फील वेरी बैड, इतना बड़ा फैमिली है, इतने अच्छे फैमिली है, इसको छोड़ के, बट प्लीज टेक इट लाइक दिस, ही हैज नॉट ओनली लेफ्ट यू, हम सब लोगों को छोड़ के चले गए, सो प्लीज भगत सिंह आपके बात। थैंक यू टू द ग्रीन सर्कल, थैंक यू स्पेशली विशाल राजन अंकल जी और जितने भी मेंबर्स जो कंसर्नड थे डैडी के हेल्थ से रिलेटेड, एवरी डे मुझे फोन करके पूछा। ये जो है घड़ी बहुत ही मुश्किल घड़ी है ओला की, बट मैं जितना समझता हूँ कि मेरे डैडी ने केवल अपना शरीर त्यागा है बट ही इज स्टिल अलाइव, और वो जिंदगी भर हमारे दिलों में हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और विशाल राजन अंकल जी, आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप अगर डैडी के बिना हैंडीकैप फील करते हैं तो मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं कि मेरे डैडी के ख्वाबों को मैं जिंदा रखूंगा और मैं ग्रीन सर्कल ज्वाइन करूंगा और उनको हर समय, उनकी प्रेजेंस तो उनका शारीरिक तो नहीं ला सकते बट उनकी आत्मा को मैं अपने अंदर दर्शाऊंगा। और मैंने मतलब इस तरीके का जमीन से जुड़ा हुआ आदमी कहीं नहीं देखा है, और मुझे किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी को मोटिवेशन के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आई ऑलवेज यूज टू सी माई फादर एज द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ही हैड बीन अ ग्रेट सपोर्ट टू एवरीबडी टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि वो फैमिली के साथ जुड़े हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो आज हर कण में मौजूद हैं। इतने वृक्ष उन्होंने उगाए हैं तो हवा के अंदर प्रदूषण को भी वही खत्म कर रहे हैं, फैमिली के अंदर भी उन्होंने प्रदूषण जितना भी रहा है वो खत्म किया है। And he had always been an inspiring model for everybody in the family, in the society. So, unki atma ki shanti ke liye hum bhi dua karte hain. Aur in fact, main to unhe aaj bhi bas unhone sharir tyaga hai. Meri unki atma jo hai mere andar, meri family ke andar, aap logon ke andar, har kan mein is in environment ke every time he'll be always available. Aur main is cheez ka aapko vishwas deta hu ki green circle ka morale daddy ke end pe kabhi bhi down hone nahi dunga. And I will join Green Circle positively. Very good, very good. Thank you so much, Bhagat ji. We will close this meeting with 1 minute silence, then we will close it. मैं 2 मिनट के लिए आइसक्रीम्स करता हूँ. थैंक यू, हमेशा भैरवा जी का याद हमें रहेगा और ग्रीन सर्कल में हम कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे इस एनवायरनमेंट के लिए, इस
कोरोना वायरस को भी हम फाइट करेंगे, हम पोल्यूशन को भी फाइट करेंगे और लाइफ को हम सेव करेंगे। और भैरवा जी हमें एक लेसन दे दिया, तो उसके आगे हम लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ग्रीन सर्कल मेंबर्स भी है, सिंडिकेट बैंक फैमिली मेंबर्स भी है, हम सब लोगों को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं और बाद में और आगे मिले। थैंक यू वेरी मच। मीटिंग ऑडियो ऑन है, अब देखते हैं। लीव पता, अरे लीव आ तो रहा है।